हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल केबी टेक। एंड दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों कि ये जो सेटअप है आपके लिए, आपने इसकी वीडियो मांगी थी मेरे से मेरे दूसरे चैनल पे कमेंट करके, तो यहाँ पे मैं आपके लेके आ चुका हूँ इस सेटअप की वीडियो। एज ए कोई नोवा लॉन्चर यूज़ नहीं किया गया इस सेटअप के अंदर, इसके अंदर स्पेशल लॉन्चर यूज़ किया गया है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से मैंने इसको बनाने की कोशिश करी है दोस्तों। यहाँ पे टॉप पे आपको वॉलपेपर इसलिए है क्योंकि मैं फ्रंट जो ऊपर की स्क्रीन है उसको उसको खुला नहीं छोड़ना चाहता था, उसमें कुछ लगाना चाहता था और नीचे अपने नॉर्मल एप्लीकेशन को रखना चाहता था। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जान लेते हैं कि सेटअप को आप अपने फ़ोन में भी कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यार मैं इस सेटअप को अपने इस Xiaomi के Redmi Note 5 Pro के अंदर यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं सेटअप को। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर चले जाना है और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको एक लॉन्चर डाउनलोड करना है जिसका नाम है ईवी लॉन्चर, और यहाँ पे ईवी और लॉन्चर। तो ये इस लॉन्चर को आपको डाउनलोड करना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कस्टमाइजेशन अगर आप करना चाहते हैं तो इसे आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। और इसके बाद आपको जाना है सर्च में और आपको टाइप करना है वन यू आई आइकन पैक। तो यहाँ वन यू आई अगर पैक पर चले जाएंगे तो ये वाला नहीं है, जो मैंने चूज़ करा है वो अलग है, वो पेड है, मैंने उसको ख़रीदा था। तो अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो भाई आप एक काम करिए, अगर आपको लिंक चाहिए ना उसका तो आपको मेरा इंस्टाग्राम पे आई हूँ, आपका आपको उसको बायो का आपका बायो पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यार या फिर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और आपको ये वाला आइकन पैक डाउनलोड करना है जिसका नाम है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इसे परचेज कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना आपको पता ही है कैसे मिलता है आइकन पैक, तो आप उस तरह से भी इसको ले सकते हैं। इस आइकन पैक को डाउनलोड कर लीजिए और भाई ये वाला जो है फिर ये दोनों काम होते ही आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना यार, आगे बताते हैं ना आपको। देखो डाउनलोड हो गया, ये हो गया डाउनलोड इंस्टॉलिंग। यस दोस्तों जी ऐसे ही डाउनलोड हो जाना दोनों काम, आपको क्या करना है। और जो वॉलपेपर्स हैं उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। देख सकते मैं आपको एक खास चीज़ भी दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है ईवी लॉन्चर पे और इस लॉन्चर को एज अ डिफॉल्ट लॉन्चर सेट कर लेना है। मैं यहाँ से इसको तो यहाँ पे खुल चुका है, उसको आपको ग्रांट एक्सेस कर देना है हर चीज़ की। और यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, इसे ओके करिए और इसे डिफ़ॉल्ट लॉन्चर जो है सेट कर दीजिए। जब ये हो जाएगा आपको इनमें से सारे ऐप्स के लिए हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे एक ऐप को छोड़ देना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टैप एंड होल्ड करना है और सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे जाने का तो होम स्क्रीन में जाना है और आपको जो रे मैं आपको यहाँ पे इसमें से मतलब बिल्कुल जी परफेक्टली सेटिंग्स के लिए आपको मैं शोकेस कर देता हूँ। तो यहाँ सेटिंग्स और यहाँ पे होम स्क्रीन। तो भाई यहाँ पे जो कॉलम्स है वो मैंने 3 टिक आगे कर रखे, मतलब अभी जैसे हैं वैसे ही हैं। रोज़ को मैंने यहाँ पे बढ़ा रखा है, मैं इसको इतना कर रखा है 8 तक कर रखा है। और आइकन साइज़ तो भाई थोड़ा सा मैंने छोटा कर रखा है एज यू कैन सी। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने आइकन लेवल को डिसेबल कर रखा है, आपको यहाँ से इसको भी डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपको सर्च बार और होम स्क्रीन को ऑन नहीं करना, आपको यहाँ पे ईवी फीड को आपको इनेबल करना है, ठीक है। ईवी फीड को आप इनेबल कर दीजिए तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपको ये सब करने के बाद होम स्क्रीन के बाद आपको आना आइकन पैक के अंदर, आइकन पैक के अंदर आके आपको इसको सिलेक्ट करना है वन यूआई आइकन पैक, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा आपको बैक जाना है और यहाँ से आपको अनरीड बैचेस को ऑन कर देना है, इसको आपको इनेबल करना है एक्सेस इसका। और अगर आप ये आपकी चॉइस है, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए एप्लीकेशन के ऊपर तो इसे आप यहाँ से टर्न ऑन कर दीजिए, बाकी आप बाकी सेटिंग अपनी मर्जी से आप छेड़ सकते हैं। ऐप ड्रॉअर के अंदर आपको ये लिस्ट ही रहने देना है क्योंकि यही ज़्यादा बेटर लगता है, उसके अलावा तो कुछ यहाँ पे ढंग का है नहीं। आपको ऐप ड्रॉअर नहीं छेड़ना है, सर्च में आपको ये भी ऑन कर देना है इंक्लूड वेब सर्चेज, और उसके अलावा जेस्चर कंट्रोल आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, बाकी आप देख लीजिए आपको जो चाहिए। मैंने भाई जो नॉर्मल जेस्चर्स है वो भी काफ़ी सही हैं, कोई इसमें चेंज की जरूरत नहीं है। इनहेरिट कर दीजिए इसको और फोल्डर शेप को आप यहाँ पे सर्कल कर दीजिए, ठीक है। तो जब ये सब हो जाएगा ना आपको बैक आ जाना है, आपकी होम स्क्रीन को जैसी दिखेगी। फिर आपको अपने पसंद के ऐप्स को जो यहाँ पे होम स्क्रीन पे ऐड कर देना है। तो भाई मैंने जो अपनी पसंद के ऐप्स ऐड कर रखे हैं, मैं आपको फिलहाल इस फोन में नहीं है तो मैं अपनी पसंद से मतलब जो मेरे को ठीक ठाक लगते हैं मैं वहाँ पे आपको ऐड करके दिखा दूंगा, और जो ज़्यादातर लोग ऐड करना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हो गए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ फटाफट। जैसे ही यहाँ पे आप एप्लीकेशन को ऐड कर लेंगे तो जैसा दिखेगा जैसा का मेरा ये वाला दिख रहा है, बट आप कहेंगे यार वॉलपेपर का क्या हालचाल है। और आपको ईवी फीड में आपको दिखाता हूँ, जिसमें मैंने दिखाया था आपको ईवी फीड कुछ इस टाइप का देखने को आपको मिल जाता है, बिल्कुल ही सेम है। और यार मैं आपके फ़ोन की एक फीचर और बताऊँ कि भाई आपको अगर साइड स्वाइप करेंगे या नीचे स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा सर्च बार। इसके अलावा मेरे फ़ोन में वॉलपेपर ऑटोमेटिकली 15 मिनट में चेंज आते हैं ऑन लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन। अगर आप चाहते हैं
तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे Xiaomi के फोन्स के लिए है वो खास, अगर आप Xiaomi फोन के यूज़ करते हैं तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक थीम स्टोर का एपीके डाउनलोड कर लीजिए, लेटेस्ट है वो, ऑफिशियल भी है, तो उसमें जाके आप वॉलपेपर स्लाइड शो को ऑन कर लीजिए। अगर आप फुल ट्यूटोरियल चाहते हैं तो लिंक मेरे को मतलब बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं इसके वॉलपेपर्स के बारे में, तो मैं इसको वॉलपेपर सेंड करता हूँ क्योंकि भाई मम्मी का फोन है तो वॉलपेपर कहाँ से आएंगे यार उसमें मेरे वाले। तो यहाँ पे हम जाते हैं और वॉलपेपर यह सेंड करने में कहा जा रहा है, रे सेंड करता हूँ या फटाफट से आपके पास आता हूँ मैं अभी सेंड करने के बाद। तो वह भी मैंने सेंड कर दिया और यहाँ थीम स्टोर पे के नहीं डाल रहा कि जैसे मैं आपको अपने फ़ोन में दिखा दूंगा उसका, बट यहाँ पे अगर हमको वॉलपेपर लगाना है तो आपको नॉर्मल वॉलपेपर्स में जाना है और यहाँ पे जाने का पिक इमेज में जाना है। फिलहाल तो मेरा फेवरेट वॉलपेपर है सब में से वो ये वाला है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, और एज यू कैन सी बिल्कुल ही सेम टू सेम वे जैसी यहाँ पे आपको होम स्क्रीन देखने को मिल जाती है, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं है, बस थोड़े आइकन्स और उसका वॉलपेपर का बताया, वॉलपेपर तो आप बोला भी लगा सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे मतलब बहुत ही कमाल का लुक प्रोवाइड कराते हैं। आप ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपको नॉर्मली ऐप ड्रॉर देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से भी ऐप की सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आप फारेनहाइट न्यूज़ आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा आप बनाना चाहते हो यहाँ पे आप एक पेज नया पेज भी बना सकते हैं, नहीं तो स्वाइप करेंगे तो आप फ़ोन की कुछ भी सर्च कर पाएंगे, साथ ही वेब फीड भी आप सर्च कर पाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, यही मैं बताना चाहता था कि आप इस सेटअप को कैसे बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये सेटअप पसंद आया तो यार, और मेरी मेहनत भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस टाइप के सेटअप बना के अपने लोगों को चौंका सकें, अपने दोस्तों को चौंका सकें। उसके अलावा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप और ऐसा कंटेंट लगातार मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नई वाली वीडियो में, टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे, गुड बाय।